तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस गाड़ी को देख रहे हैं दोस्तों, वह हीरो की स्प्लेंडर प्लस। कुछ कुछ इसमें अपडेट किए गए हैं तो इस वीडियो में उसको मैं पूरा कवर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, एक शोरूम आपको 70,000 के समथिंग देखने को मिलता है। वहीं ऑन रोड की बात करें तो ये आपको 83,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। स्टेट वाइज ये चेंज भी हो सकता है, तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फ्रंट लुक से बात करेंगे तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसमें 35 वाट का हेलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस देखने को मिलता है। वहीं थोड़ा सा नीचे की बात करेंगे तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है और मडगार्ड आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, ग्लॉसी ब्लैक। साथ ही साथ बता देता हूँ दोस्तों टायर साइज़ के बारे में और अलॉय व्हील के बारे में। तो इसमें आपको 18 इंच अलॉय व्हील के साथ 80/100 का टायर देखने को मिलता है। और देख सकते हैं इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक वगैरह के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइड लुक की ओर नज़र डालेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको जो कलर ये आप अभी देख रहे हैं, ये प्योर ब्लैक कलर है और हीरो की बेजिंग दी गई है टैंक पे, और कोई ग्राफिक वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं। यहाँ आपको पावर स्टार्ट की बेजिंग दी गई है। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको इसका पावर फिगर वगैरह, तो 7.91 BHP का ये पावर जनरेट करता है दोस्तों 8000 RPM पर। और वहीं टॉर्क की बात करें तो 8.05 Nm का ये टॉर्क 6000 RPM पर जनरेट करके देता है। और यहाँ आपको स्प्लेंडर की बेजिंग दी गई है, साइड में i3S की बेजिंग भी साथ में देखने को मिलती है। और इसका पिछला टायर भी सेम साइज़ का दिया गया है, 80/100 का 18 इंच अलॉय व्हील के साथ सेम टायर मिलता है। अब चलते हैं इसके लेफ्ट साइड की ओर और उसमें आपको मैं गियर पोजीशन वगैरह दिखा देता हूं। और साइड स्टैंड में आपको इसमें अपडेटेड सेंसर सिस्टम दिया गया है, उसको दिखा देता हूं आपको। तो यहां आपको साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ का सिस्टम दिया गया है दोस्तों, और 4 गियर के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। और ये जो फीचर है अभी अपडेटेड मॉडल में ही आ रहा है, पहले नहीं आती थी, खाली पहले वार्निंग वाली आती थी, बट इसमें आपको अपडेट करके ये दिया गया है। और इस तरीके से इसका साइड लुक आप देख पा रहे हैं। और चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बात करेंगे तो इसके बैक सस्पेंशन की ओर नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें आपको जो सस्पेंशन दिया गया है, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं दोस्तों, डुअल सस्पेंशन। और देख सकते हैं यहाँ आपको साड़ी गार्ड वगैरह पहले से कंपनी फिटेड देखने को मिल रहे हैं। और इसके बारे में आपका क्या राय है बताइएगा ज़रूर। और ये गाड़ी का कलर कैसे लग रहा है, यहाँ आपको नंबर प्लेट के लिए स्पेस, बैक के लिए, और ये है इसका टेल लैंप। थोड़ा सा मैं पास करके दिखा देता हूँ आपको, ये भी हैलोजन देखने को मिलता है। और ऊपर की ओर नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको ग्रैब हैंडल वगैरह लोडिंग कैपेसिटी के साथ देखने को मिलते हैं। सीट हाइट की बात करूँ तो 785 mm की सीट हाइट इसमें आपको देखने को मिलती है। सस्पेंशन को पहले ही डिफाइन कर चुका मैं। और देख लीजिए दोस्तों साइड लुक किस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और आगे की ओर बात करेंगे तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैं बता देता हूँ, 9.8 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। वहीं नज़र डालते हैं हैंडल्स पर तो देख सकते हैं यहाँ आपको कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं, ये पासिंग स्विच दिया गया है, और ये साइड इंडिकेटर के लिए दिया गया है, और ये हॉर्न के लिए। इस तरीके से बेसिक इसमें आपको स्विच वगैरह दिए गए हैं। इस साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और ऊपर में आपको i3S का सिस्टम दिया गया है। और यहाँ आपको जो इसका मीटर मिलता है, वही एनालॉग वाला मीटर मिलता है जिसमें सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं। देख लीजिए आपको ये कैसा लग रहा है और बताइएगा। इस गाड़ी से रिलेटेड यदि कुछ भी चीज़ आपके मन में डाउट रहती है तो उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अभी जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वो है दोस्तों बिलासपुर महाराणा प्रताप चौक, गैलेक्सी मोटर का है ये वीडियो, और यहाँ आप बिल्कुल विजिट कीजिए। देख लीजिए मैं शूट कर रहा हूँ, मिरर पर आपको मेरा मोबाइल वगैरह सेटअप वगैरह दिख रहा होगा। बताइएगा वीडियो क्वालिटी वगैरह मोबाइल के हिसाब से कैसा आपको प्रोवाइड हो रहा है। और इसी तरीके से रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर पॉइंट छूटा होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक नहीं है दोस्तों, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह हर चीज़ मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है। कुछ भी डाउट अगर रहा होगा तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और जल्दी से एक और नए वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। और मैं क्योंकि ज़्यादा नई गाड़ियों पे रिव्यूज़ नहीं बना रहा था, क्योंकि ऑटो डील्स पे मेरे को ज़्यादा रिस्पांस मिल रहे हैं। अगर आप किसी भी गाड़ी का, जैसे कोई भी नई या पुरानी, जिसका भी आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना है। एक बार मैं यहाँ का पूरा आपको कलेक्शन दिखा देता हूँ। देख सकते हैं हीरो का ये शोरूम बिलासपुर महाराणा प्रताप चौक के पास आपको देखने को मिल जाएगा, गैलेक्सी मोटर।
बिल्कुल, यहाँ आप कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, और सभी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल कराई जाएंगी, फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज़, और एक एक चीज़ आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। टेस्ट ड्राइव लीजिए, कलर वगैरह बहुत सारे इसके ऑप्शन अवेलेबल हैं स्प्लेंडर के। और आपको कैसा लगा ये रिव्यू बताइएगा ज़रूर, और जल्दी से एक और वीडियो लेकर आता हूँ मैं, तब तक के लिए वेट कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।